26 जनवरी को हमारा देश का एक संविधान निर्मित होकर लागू हुआ था। 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। मैं जिला अधिवक्ता संघ की ओर से सम्मानित सचिव कोषाध्यक्ष जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, हमारे संयुक्त सचिव एवं सभी पदाधिकारी गण की ओर से मैं अधिवक्ता बंधुओं को, न्यायिक अधिकारी गण को, झांसी जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों को एवं जनता को अपने सभी पदाधिकारियों की ओर से इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ये 26 जनवरी है और पूरे हमारे जो देश में 26 जनवरी को एक हर्षोल्लास के साथ एक पर्व जैसा जो संविधान नवनिर्मित हमें सौंपा गया था उसी के उपलक्ष्य में हम अपने जनपद वासियों को, न्यायिक अधिकारी गण को, समस्त विद्वान अधिवक्ता गण को, जिला अधिवक्ता संघ के हम अध्यक्ष महोदय की ओर से, अपने कोषाध्यक्ष महोदय की ओर से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे संयुक्त सचिव गण एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से इस झांसी जनपद के सम्मानित नगरवासियों को हृदय से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपकी अधिवक्ता के अंदर कचहरी के अंदर क्या कार्यक्रम रखा होता है? हमारे यहाँ जो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण होता है 8:30 बजे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ ध्वजारोहण होता है और 8:50 पर जिला अधिवक्ता संघ झांसी प्रांगण में ध्वजारोहण तय हुआ है और जिसके बारे में समस्त अधिवक्ता गणों को हम लाउड स्पीकर के माध्यम से बताते हैं और इसके बाद में हम लोग अल्पाहार की व्यवस्था और जिनको अपने विचार रखना होते हैं वो अपने विचार रखते हैं और समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण एक बार बेंच के उसमें अपना सामंजस्य अपने विचार रखते हैं। ये पुनः हम अपने अध्यक्ष महोदय की ओर से, कोषाध्यक्ष महोदय की ओर से 26 जनवरी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका 26 जनवरी हिंदुस्तान भारत देश के लिए पावन पर्व के रूप में माना जाता है। इस दिन हम लोग आया धूलते और उस 26 जनवरी को पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम भी अपने विद्वान अध्यक्ता का आदरणीय जूनियर व सीनियर सभी लोगों को इस दिन की बधाई देते हैं और नगरवासियों को भी 26 जनवरी की बधाई देते हैं। हम अपने अध्यक्ष महोदय एवं महामंत्री महोदय के साथ व समस्त कार्यकारिणी के साथ 26 जनवरी का प्रोग्राम अपने जजी कैंपस में ध्वजारोहण के रूप में मनाते हैं और बाकी अधिवक्ताओं को शिल्पहार वगैरह जो भी प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है वो बड़े धूमधाम से हम लोग अधिवक्ता मनाते हैं।